ब्लैकमेल कर रहा है और वो चाहता है कि मैं उसके साथ एक रात गुजारूं, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो उसे धमकी दी है कि हमारे ताल्लुकात सब अखबारों को बता देगा। पापा मुझसे मिलने आए थे, मैंने उनसे वादा किया है कि जैसे सुनील कहेगा मैं वैसे ही कोर्ट में कहने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, लगता है भगवान ने मेरी दुआएं सुनना शुरू कर दिया है। अब तुम मुझ पर खामखा के इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम लगाने की तो नौबत ही नहीं आती, मजदूर खुद निपट लेते आपसे अगर मैंने उन्हें न रोका होता। कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर कोई आंच भी ना आए और वर्कर्स के साथ इंसाफ भी हो जाए। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आज के बाद निशी से कभी नहीं मिलना तो दूर रहा, उसके आस पास भटकना पड़ेगा। आपके कंपनी के लेटर हेड पर ये कंप्लेंट दर्ज है जो आप ही का प्यून मेरे पास लेकर आया था। ये देखिए, क्या ये आपके दस्तखत नहीं? लुक। मौत तुम्हारे करीब आकर गुजर गई है ना, ये बात तो साबित हो गई कि मौत तुम्हारी तलाश में है। लेकिन अगली बार पूजा तुम बच नहीं पाओगे, हाँ तुम मर ही जाओगे। आई प्रॉमिस। देखा, इस बार मैंने तुम्हें जाने के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि अब मुझे खुद तुम्हारी मौत का इंतजार है। ताऊ जी ऑफिस कुल मिलाकर 10 बार आए हैं, और जब भी वो आए हैं खास तुमसे मिलने नहीं आए। इनफैक्ट मैंने तुम दोनों को साथ बैठे कभी देखा नहीं। सो तुम कहना क्या चाहती हो? अगर ताऊ जी मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो ये उनके बाएं हाथ का खेल है। हो सकता है वो मेरे बारे में फाइल्स मंगाते होंगे घर पे, या कोई उन्हें रिपोर्ट भेजता होगा। नहीं, पिछले 6 महीनों में ताऊ जी ने अपने घर पर कोई फाइल नहीं मंगाई। इनफैक्ट उनके नेचर में ही नहीं है कि वो इस तरह अपना वक्त बर्बाद करें। तो फिर वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे। यही तो मेरी परेशानी है करण। अगर वो तुम्हें जानते नहीं तो फिर उन्होंने तुम्हारी इतनी सिफारिश क्यों की? ओके, तो आप ये बात लेके बैठी। अगर मुझे इस कोर्ट मार्शल की वजह मालूम होती तो बात कब से खत्म हो चुकी होती। नहीं, बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी करण, क्योंकि मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। ओके ओके, मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं किसी को बतलाता नहीं, लेकिन क्योंकि मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में तुम्हारी वजह से, सो आई गेस आई मस्ट टेल यू फॉर द सेक ऑफ लॉयल्टी। क्या ताऊ जी ने अपना ओपिनियन नहीं दिया था, वो रंजना देवी की तरफ से सजेशन दे रहे थे। रंजना देवी की तरफ से?
रंजना देवी मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करके महेंद्र मल्होत्रा और बैंकर्स की लॉबी तोड़ना चाहती हूँ। रंजना देवी से तुम्हारी मुलाकातें होती हैं? हाँ होती हैं, कई मुलाकातें हुई हमारी, और जब से ऋषभ को चेयरमैनशिप से हटाने की बात शुरू हुई है तब से हमारी मुलाकातें शुरू हुई। बोर्ड मीटिंग में तुम ऋषभ को वोट दोगे अगर उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का बिल रखा जाता है? ऑफ कोर्स, मैं ऋषभ को ही वोट दूंगा, वो मेरे भाई की तरह। थैंक यू फॉर कमिंग ऋषि, अच्छी लग रही हो, यू लुकिंग वेरी नाइस। मैं तो ये सोच रहा था पता नहीं तुम आओगी नहीं आओगी। बहन, मेरे साथ सात फेरे लेते वक्त तुमने कभी सोचा था कि हमारा रिश्ता इस तरह का हो जाएगा कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझे थैंक यू कहोगे? ऋषि, जिंदगी हैरतों का सिलसिला होती है, मैं ये जानता था, इसलिए अब कोई ताज्जुब नहीं होता। ताज्जुब तुम्हें इसलिए नहीं होता है महीन, क्योंकि साथ फेरे लेते वक्त तुम्हें अपनी पर्सनालिटी के बारे में ऐसी कुछ बातें मालूम थी जो मुझे नहीं पता था। तुम जानते थे कि तुम मेरे साथ जिंदगी भर लॉयल नहीं रहोगे। एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की हमें आदत हो गई है, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हमारा रिश्ता जितना बिगड़ सकता था बिगड़ गया। अच्छा, तो क्या हम अपने रिश्ते की मौत की एनिवर्सरी मनाने आए हैं यहाँ? जहाँ तक मुझे याद है उसे अभी एक साल तो नहीं हुआ है। ओह गुड, खुशी में जानकर कि आपको सब कुछ याद है, तो शायद हम अपने रिश्ते की कब्र पर फूल चढ़ाने आए हैं। क्यों? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आने वाले दुख का सामना हम एक साथ कर सकें। नीतू की केस की सुनवाई है अगले हफ्ते, मैं चाहता हूं कि हम दोनों इस तरह का ढोंग करें जैसे सभी को लगे, नीतू को लगे कि हम वापस नॉर्मल हो गए हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। कैसा ढोंग करना होगा मुझे? एक हैप्पी नॉर्मल कपल का, इसे नीतू क्राइसिस का सामना अच्छी तरह कर सकेगी। महेन, हम दोनों चाहे जितने भी इल्जाम लगाए एक दूसरे पर, लेकिन एक बात तो सच है, हमारी बेटी की तबाही का कारण सिर्फ दो है, एक तुम और एक मैं। एक बात बताओ, क्या तुम ये ढोंग कर सकोगी? कर सकूंगी और करूंगी, और ऐसा भी हो सकता है कि ढोंग का रिश्ता निभाते निभाते एक हकीकत में बदल जाए। बहन, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? कैसी पॉसिबिलिटी? खैर जाने दो, ये ढोंग मुझे कब से करना होगा? इतला दे दूंगा, बट रियली थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। क्या ट्रेजेडी है लाइफ की महिन, जब मैं असलियत में तुम्हारी पत्नी का रोल कर रही थी तो तुमने कभी मुझे थैंक यू नहीं कहा, और आज जब मैं ढोंग कर रही हूँ, ढोंग करने के लिए तैयार हूँ, तो तुम मुझे थैंक यू कह रहे हो? इट्स रियली ट्रेजिक। कम इन। एकनाथ, तुम आओ बैठो, मुझे तुम्हारा इंतजार था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरे आने से कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि जो भी हुआ उसके बाद आपकी कोई भी दलील, कोई भी तर्क, आपकी कोई भी सफाई किसी काम की नहीं है। देखो, मुझे बेहद अफसोस है कि ये मजदूरों के साथ जो कुछ, अफसोस से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वर्कर्स और मल्होत्रा इंडस्ट्री के मालिकों के बीच जो गहरी खाई बन गई है, खासकर आपके बीच, उसे भर पाना आप संभव नहीं है। आपने जिंदगी भर के लिए उनकी नफरत मोल ले लिया। एकनाथ, नफरत करने लायक मैं होता, बेशक होता, अगर मैंने वो कंप्लेंट लिखाई होती तो। लेकिन आपकी बात पर यकीन कौन करेगा? पुलिस वालों के पास मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लेटर हेड पर बकायदा आपके दस्तखत वाली रिपोर्ट मौजूद है।
और मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। एकनाथ, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम सच्चाई पर यकीन जरूर करोगे। देखो एकनाथ, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, जिस ऋषभ मल्होत्रा को तुम पहचानते हो, क्या वो ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है? तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुकाराम के खिलाफ भी मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई थी, जबकि उसने मुझ पर हमला किया था। यकीन तो मुझे अभी भी नहीं हो रहा है, लेकिन उस हादसे के बाद से मैंने यकीन के मुताबिक चलना बंद कर दिया है। गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो तुम, अपने आप पर और मुझ पर भरोसा खोकर। जरा सोचो एकनाथ, जो आदमी फैक्ट्री में बॉम्ब ब्लास्ट करवा सकता है, क्या वो मेरे जाली दस्तखत नहीं कर सकता? देखिए, इस मामले में मैं कुछ भी कहने की हालत में नहीं हूं। अगर आपकी बात से मैं कन्विंस हो भी रहा हूं, तो उन लोगों की बातों पर भी यकीन कर रहा हूं जो आपको जिम्मेदार ठहराते हैं। कौन है ये लोग? छोड़िए उन लोगों। देखो एकनाथ, मैं तुम्हारी परेशानियां समझता हूं। अगर तुम चाहो तो श्वेतलाना के साथ सलाह मशवरा कर सकते हो। उसके पिताजी भी एक मशहूर ट्रेड यूनियन लीडर रह चुके हैं। जानता हूं, श्वेतलाना जी से मेरी बातचीत हो चुकी है। हाँ, सुना है आजकल तुम्हारा और उसका काफी मिलना जुलना है। मैं उनकी काफी इज्जत करता हूँ। कई वर्कर्स को भी ये लगता है कि मल्होत्रा इंडस्ट्री में सिर्फ वही उनकी वेलविशर है। और एक मैं उनका दुश्मन हूँ। क्यों? एकनाथ, किसी ने चाल तो चली है, और खूब चाल चली है। मुझे कल की बोर्ड मीटिंग का इंतजार है। वहाँ जो भी फैसले होंगे उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, सब लोगों को अपने किसी न किसी फायदे के लिए बोर्ड मीटिंग का इंतजार है, और इस सब में मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और शायद एकनाथ, तुम्हारी स्ट्राइक भी सिखाए किस्सा है। क्यों? ऐसा बिल्कुल नहीं है मिस्टर ऋषभ। अगर ऐसा नहीं है एकनाथ, तो जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, अपनी स्ट्राइक प्लीज वापस ले। एकनाथ, तुम मुझ पर तब तक भरोसा करो जब तक मैं ये साबित ना कर दूं कि पुलिस में दर्ज रिपोर्ट एक फॉर्जरी का केस है। मुझे जरूर किसी साजिश में फंसाया जा रहा है। एकनाथ, एक मालिक की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हारी मदद मांग रहा हूं। देखो, इंसानियत के नाते ही सही, अगर मुझे किसी केस में विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और फिर फॉर्जरी कोई नामुमकिन बात तो है नहीं। ठीक है, मैं स्ट्राइक वापस लेने की बात चलाता हूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अंकल, मम्मी। हाय, हाउ आर वी? कैसे हो? अच्छा हूं। लेकिन अंकल, आप मुझसे इतने दिन मिलने क्यों नहीं आए? देखिए बेटे, आपकी माँ ने अभी हमसे बहुत सारे सवाल किए हैं और हम जवाब देते देते थक गए। आपके सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, I'm sorry. अंकल, मैंने आपको बहुत मिस किया। ठीक है, तो फिर आज हम सारी कसर पूरी करेंगे और जितने भी गेम्स हम खेला करते थे आज सारी गेम्स खेलेंगे। ओके, मजा आएगा। तो अंकल, हम अंताक्षरी से शुरू करें? ठीक है, हम अंताक्षरी से ही शुरू करेंगे, लेकिन एक शर्त पे, आपकी मम्मी हमारे साथ खेलेंगे। ठीक है, तो मम्मी आप मेरी टीम से खेलिए, हम दोनों कलर अंकल की छुट्टी कर देंगे। अरे मैं चैलेंज करता हूँ, तुम दोनों मिलके मुझे नहीं हरा सकते, बेट। देखिए मम्मी, कलर अंकल हमें चैलेंज कर रहे हैं। मम्मी, मम्मी, सॉरी। क्या हुआ सरलाना? कुछ नहीं, तुम दोनों को इस तरह खेलते हुए देखकर मुझे केशव की याद आ गई। तुम्हारे सारे रास्ते सिर्फ एक ही दिशा में जाते हैं, केशव के अलावा तुम्हें कुछ दिखता नहीं। हेलो मिस जिम्मेदारी। मिस जिम्मेदारी? हाँ भाई, मेधा जाने से पहले तुम्हें मेरी जिम्मेदारी बनाकर गई थी ना, ये जाने से पहले आखिरी वादा मैडम ने मुझसे लिया था। तुम्हें भी लगता है दीदी वापस नहीं आएगी? क्यों, क्यों? मैंने ऐसा कब कहा? अभी तो कहा आखिरी वादा। मिलोट, मैंने कहा था जाने से पहले आखिरी वादा, यानी कि आने के बाद वादों का नया सिलसिला शुरू होगा। बेशक तुम ना चाहते हो, लेकिन तुमने अभी जो कहा उसका मतलब तो यही था। मिलोट, माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं वकील हूँ और बातें नाप तोल कर करना मेरा प्रोफेशन है। मिलोट, पता नहीं सुनील, मेरा दिल कहता है कि अब दीदी वापस नहीं आएगी। रूपी, रूपी, आप जब आप किसी को चाहते हैं
तो दिल की ये फितरत है कि ऐसी बातें करके आपको रुलाता है। मेधा तुम्हारे यहां से डिजर्व करती है। सच सच बताओ सुनील, तुम दीदी को मिस नहीं कर रहे? आई मीन उसके जाने पर मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे। कम ऑन, आंसू? और ये सुनील वर्मा? वैसे मैंने ये बात कभी मेधा को नहीं बताई थी, लेकिन तुम्हें बताता हूं। जब कभी मेधा मुझे पहले छोड़ के जाया करती थी तो मैं बहुत रोता था, बहुत आंसू बहाता था। ऊपर से चाहे मैं जितना भी स्ट्रॉन्ग हूं, लेकिन मेधा मेरी कमजोरी थी। और आपको पता है, इंडिया आने की वजह ये मेधा ही थी, आपकी दीदी। लेकिन इस बार उसके जाने से तुम्हें बहुत बुरा नहीं लगा? उसकी दो वजह है। पहली वजह यह कि मेधा का जाना मेधा के लिए बहुत जरूरी था, नहीं तो वो अपने आप को उम्र भर के लिए इस दुख में झोंक देती। उसके कंपैरिजन में ये साल भर का दर्द बेहतर सौदा है। और दूसरी वजह यह कि मेरा दिल कहता है कि आपकी दीदी जरूर आएंगी। वैसे कल रात दीदी का फोन आया था। अच्छा? कह रही थी कि वहां सब कुछ ठीक है और वो खुश है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मेधा का दिल वहां लग जाए? यू नो सुनील, मैंने कभी सोचा नहीं था कि दीदी इस कदर मेरी जिंदगी में शामिल है कि उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेले हो जाऊंगी। आजकल जिंदगी बहुत खाली खाली से लग रही है। ये मुश्किलें और अपनों की जिंदगी आसान करने के लिए आपको अगर थोड़ी सी मुश्किल मोल लेनी पड़े तो वो मुंबई में कहते हैं ना, चलते है बाप। आखिर हम भी आपके लिए एक परेशानी बनकर रह गए। आपकी जिंदगी में क्या कम परेशानियां थी कि पूजा नाम की परेशानी आपकी जिंदगी से जुड़ गई? सच कह रही हो तुम पूजा, इस वक्त मेरे ऊपर वाकई बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन उनमें से एक का भी नाम पूजा नहीं है। बना दिया ना बुद्धू। अब देखो ना पूजा, जब तुम मेरे हर सुख दुख को बिना पूछे अपना लेती हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? हम आपसे अपने लिए कुछ नहीं करवाना चाहते, हम तो सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए सब कुछ करने का एक अच्छा मौका दे। भाई वाह, ये तो कोई रिश्ता नहीं हो। तुम हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ करती रहो और मैं तुम्हारी तकलीफों की तरफ अपनी आंखें बंद करके बैठा रहूं। आप हमारी दर्द की दवा का नाम भी लेते हैं ना, तो हमारा दर्द दूर हो जाता है, दवाइयों की कोई जरूरत नहीं। जानती हो पूजा, शायद जिंदगी में पहली बार मैं किसी के काम आ रहा हूँ। आई लाइक इट। तुम ये खुशी मुझसे नहीं छीन सकती। ये खुशियां हम आप पर न्योछावर कर देंगे। हमारी बातें छोड़िए, कल आपके ऑफिस में AGM है ना, आपको बहुत सारी तैयारियां करनी होगी। तैयारियां? नहीं पूजा, इस साल के AGM में मुझे कोई तैयारी नहीं करनी। इतने सारे लोग जो हैं बड़े जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। आप भले ही हमें बातों से बहलाने की कोशिश करें, पर आपके चेहरे का भाव हमें सब कुछ बताता है। हम जानते हैं कि कल का दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, पर हम यहाँ बेकार में झंझट बने बैठे हैं। बेकार में बिल्कुल नहीं, चेहरे का भाव पढ़ना मुझे अभी थोड़ा थोड़ा आता है, और तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है उस फोन की दहशत को तुम भुला नहीं पाई, है ना? ये सच है, आजकल हम अपनी सांसों की आवाज से भी डर जाते हैं। पूजा पूजा, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ट्रस्ट मी। हमें अपने आप से आप पर ज्यादा भरोसा है, नहीं तो हम सब छोड़ छाड़ कर भाग जाते। आप ऑफिस जाइए, आपको बहुत काम है। और एक विनती है आपसे। बोलो। कल के AGM के दौरान हम आपके बगल में रहना चाहते हैं। क्यों, हमने कुछ गलत कहा? नहीं पूजा, अचानक मुझे कुछ याद आ गया। पिछले AGM में मेधा मेरे साथ थी।
शाम।